हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एस्थेटिक आर्ट में आ रहे हैं और एस्थेटिक आर्ट में 6, 7, 8 तीनों के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है फोक आर्ट। तो वो फोक आर्ट सबका एक सा ही है कि मधुबनी आर्ट जो है वो सबको सेम पढ़ाई जाती है और उसमें हम आपको कुछ नई चीज बता रहे हैं। आप अपनी बुक में से उसको देख के बना सकते हैं और मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कि उसकी ड्राइंग कैसे होगी। कलर उसमें सब ब्राइट होते हैं क्योंकि लाइफ जो है अगर हम ब्राइट कलर के साथ करेंगे तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो इसके लिए हम फोक आर्ट में हमेशा जो है ब्राइट कलर करते हैं क्योंकि फोक आर्ट कोई सी भी हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो मंडाला हो, चाहे वल्ली हो, ये सब नेचर के बहुत करीब में रहती है। तो नेचर हमेशा ब्राइट कलर का होता है तो हम लोग इसमें ब्राइट कलर करेंगे और मैं आपको ये ड्राइंग सिखा रहा हूं। थैंक यू। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग। तो देखो फोक आर्ट में ड्राइंग आप ड्राइंग चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स बना दें आप और आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ऐसा बनाया, आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बनाएं, आप इसको भी चेंज भी कर सकते हैं। ये आपने ड्राइंग कर ली, अभी आप ये आर्ट फाइल पे करेंगे और उसके बाद फिर इसमें कलर करेंगे। कलर आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं, पेंसिल कलर से भी कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आप ब्राइट बनाएंगे। अब देखो ये मैं बुक पे आ गया हूं बोर्ड के बाद और फिर इसमें हम कलर कर रहे हैं। बोर्ड पे कलर करना पॉसिबल नहीं होता है तो अब हम इसमें कलर कर रहे हैं। और मैंने बोला था ना कि इसमें फोक आर्ट में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होता है कि हम कोई इसी तरीके के कलर कर रहे हैं, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। आप टेक्सचर भी दे सकते हैं, उसने फ्लैट किया है लेकिन मैं ये टेक्सचर दे रहा हूं। इसको हम हैचिंग भी कहते हैं और ये हम स्केच पेन से दे रहे हैं। आपके पास अगर स्केच पेन है तो अच्छा है, नहीं हो तो आप पेंसिल कलर से भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने ये ब्लैक पेन स्केच पेन लिया है, मैं स्केच पेन से कर रहा हूं।
इस तरीके से हम इसमें कलर स्केच पेन से करेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आप पेशेंस के साथ करेंगे, बहुत पेशेंस के साथ, कि एक कलर दूसरे कलर में ना मिक्स हो जाए। उसकी बॉर्डर है उसको बॉर्डर को पार ना करे, उसकी सीमाएं हैं उन सीमाओं को पार ना करे। तो ये आप करेंगे और इसको आर्ट फाइल पे बनाएंगे सुंदर सा, फिर करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग लाइन से हैचिंग कहते हैं और इसको आप सॉलिड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सॉलिड भी कर सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप असाइनमेंट करेंगे और इसको हमेशा की तरह, इस समय बहुत वीडियो भेज रहे हैं बच्चे, मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप अच्छे से ऐसे ही काम करते रहिए और मुझे ईमेल जरूर करते रहिए क्योंकि मैंने ग्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। थैंक यू वेरी मच।